हम अक्सर अपने मन को बताते हैं कि हम सभी शिव बाबा की कारें हैं। कोई मैं अपने आप को मानता था, मुझे जब मैं अज्ञान में था मुझे कार पसंद थी जैगवार, तो मैं अपने आप को ना जैगवार समझता हूँ। कोई मर्सिडीज है, कोई ट्रैक्टर है, कोई जेसीबी है, सबके अपने अपने रोल हैं। ठीक है, ये सब बाबा की गाड़ियां हैं। जहां पे ट्रैक्टर का काम है ना, वहां पे मर्सिडीज काम नहीं आती, और जहां मर्सिडीज का काम है ना, वहां पे ट्रैक्टर का कोई काम नहीं। कोई तुलना नहीं है आपस में एक दो की, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं ना, तो हम तुलना में लग जाते हैं, तुलना करने लगते हैं कि ये ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों, मुझे सेवा के लिए क्यों नहीं पूछा गया, इसे आगे क्यों बढ़ाया गया। सोचिए आप, जहां ट्रैक्टर का काम होता है ना, जैसे ट्रैक्टर का काम आपको पता होगा मेरे ख्याल से, वहां भी खेती तो होती ही है। ट्रैक्टर खेत में जुताई करता है, खेत को बनाता है, बहुत सारा लोड कैरी कर सकता है, मर्सिडीज नहीं कर सकती, चार पांच लोगों को बैठा के घुमा सकती है। अब ट्रैक्टर में बैठ के सोचने लग जाए कि मेरे को ना मर्सिडीज से तेज दौड़ना है, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं परिश्रम करूंगा लेकिन मर्सिडीज से तेज दौड़ना है मेरे को, मर्सिडीज मुझसे तेज कैसे दौड़ सकती है। तो हमारे यहाँ पे एक कहावत है, शायद आपने भी सुनी होगी, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दूसरों को देखते हैं और तुलनात्मक भाव से देखते हैं, तो हम उनकी विशेषताओं को नहीं उठा पाते, और जब हम केवल ये देख रहे हैं कि हम मेरी ये विशेषता है, इनकी ये विशेषता है, तो हम अपनी विशेषता पर बिल्कुल अटल रहकर, अडिग रहकर, तब उसकी विशेषताओं को उठाने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी विशेषता को हम कभी ना भूले, मेरी क्या विशेषता है, और हम सभी आत्माएं विशेष हैं, खास हैं, बाबा ने एक एक को चुना, एक एक पूरे बड़े बड़े एरिया में से एक एक को चुना। आप देखिए जहां से आप निकले हैं वहां से कितने और बीके हैं, पता पड़ जाएगा अब कितने खास हैं हम लोग, कितने विशेष हैं। तो यहाँ पे तुलना की कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। तो वही बात हम कर रहे हैं कि हम सभी बाबा की कारें हैं, और कार की अपनी कोई चॉइस नहीं होती कि उसे चलना है या नहीं चलना है, कैसे चलना है, तेज चलना है, धीमा चलना है, उसे ड्राइवर चलाता है। वैसे ही बाबा हम सबको चला रहा है। कुछ समय पहले मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कोई और रोल अदा कर रही हूँ, कोई और रोल अदा कर रही हूँ, रोल हमारे डिफरेंट हैं, लेकिन जैसे ही जब कोई क्लास के लिए इनविटेशन होता है, तो उस वक्त मैं तो प्रयास करता हूँ कि इस कार से निकल के बाहर बैठ जाऊं, पूरा प्रयास रहता है कि इस कार से निकल के बाहर बैठ जाऊं और शिव बाबा स्वयं इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठें और इस कार को चलाएं। अगर ये करने में मैं कामयाब हो जाता हूं, तो फिर मेरा काम आसान हो जाता है। वैसे ही हम सभी करते होंगे, हम जो भी सेवाओं में मैदान में उतरते हैं, प्रयास करें कि मैं इस गाड़ी से बाहर निकल जाऊं या साइड की सीट पर बैठ जाऊं। पॉसिबल नहीं है तो साइड की सीट पर बैठ जाइए और ड्राइविंग सीट पर शिव बाबा को बिठा दीजिए। हो सकता है ऐसा, यहाँ पर मस्तक के बीच में ड्राइविंग सीट पर आत्मा बैठी है ना, ड्राइविंग सीट पर ये दो हेडलाइट है ना, ये रे है ना, इनसे ये गाड़ी है ना, जैसे वो फर्स्ट डे के 7 डेज कोर्स में आप देखेंगे कि कार में ड्राइवर बैठा है वो दिखा रखा है पूरा, सेम वे यहाँ पे ड्राइवर बैठा हुआ है। ठीक है, अब जैसे आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, अपने आप को एक थॉट दें कि बाबा मेरे साथ है। बाबा कहते हैं ना, कंबाइंड रूप धारी भव, वरदान देते हैं, कंबाइंड रूप यही है कि बाबा मेरे साथ है, इस कार में दो बैठे हैं, मैं और बाबा, और बाबा को ड्राइविंग सीट पर बिठा दीजिए। यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जो दावा करने लगते हैं बाबा मेरे तन में आते हैं, वो काम नहीं करना है, यहाँ पे एक अभ्यास करना है, प्रैक्टिस है ये कि बाबा मेरे साथ है, बाबा यहाँ ड्राइविंग सीट पर मेरे साथ बैठा हुआ है। तो बाबा ने तो कहा है
कि तुम मुझे याद करो और मैं ना पहुंचू, ऐसा हो नहीं सकता। और भगवान कभी झूठ नहीं बोलता। उनकी एक सबसे बड़ी से बड़ी से बड़ी विशेषता कहेंगे हम कि बाबा कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो बोला वो होगा। बच्चे तुम मुझे याद करो, मैं तुरंत उपस्थित। तो हमने कहा कि बाबा मेरे साथ बैठा है तो बैठा है, बैठा है या नहीं बैठा है, ऐसे कैसे बाबा आ जाएगा। जो ये थॉट आते हैं ना, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पास में बैठा हुआ है और उसकी पावर्स को हम यूज नहीं कर पाते। थॉट, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, तभी क्या होगा, हम परमात्म शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां शिव बाबा स्वयं खड़े हो जाएं, वहां रावण की एक नहीं चलती, वहां माया की एक नहीं चल सकती, राम के सामने रावण की एक नहीं चलेगी। तो यहाँ पे राम आ बैठा तो रावण खड़ा देखता रह जाएगा। कोई विघ्न कोई समस्या ठहर नहीं सकती। ये भी कहना नहीं पड़ेगा फिर तो कि मैं विघ्न विनाशक। भाई विघ्न विनाशक भी तो तभी कहना पड़ रहा है ना, विघ्न है और विनाश कर रहे हैं। विघ्न ठहरेंगे ही नहीं, भाग जाएंगे दूर दूर तक। बाबा यहां बैठा हुआ है, मैं निर्विघ्न आत्मा हूं, विघ्न मुझे छू ही नहीं सकते। क्या मजाल विघ्नों की मेरे पास खड़े भी हो जाएं। लेकिन जहां शिव बाबा साथ, वहां ऐसा होगा। अगर शिव बाबा साथ में नहीं है तब देखिए क्या होता है। क्योंकि उस वक्त देखो बाहर का माहौल तो आपको पता ही है, वायुमंडल पता ही है, बाहर तो माया कोई मौका छोड़ती ही नहीं है। हम अलबेले हो सकते हैं, माया कभी अलबेली नहीं होती, एकदम तैयार खड़ी रहती है कि बस इसका कैसे भी राम से ध्यान उठे हटे और मैं इससे अपनी चपेट में लूं। तो ठीक है, तो यहाँ पे बैठे हैं शिव बाबा। तो हम एक छोटा सा अभ्यास करते हैं कि अपने आप को हम देखेंगे पहले यहाँ मस्तक के बीच बैठी हुई मैं आत्मा, ये देह मेरी गाड़ी है, मैं इसका ड्राइवर हूं। बिल्कुल स्पष्ट, देह रूपी कार में बैठा मैं ड्राइवर, मैं दिव्य ड्राइवर, बहुत शक्तिशाली। मस्तक के बीचों बीच पूरा फोकस करें मुस्कुराते हुए। जैसे ही स्वयं को देखेंगे, मैं प्रकाश नुमा, मैं प्रकाश, मैं शक्ति, अपने आप बाबा याद आएगा, अपने आप। देखें स्वयं को, ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु, अंदर स्पष्ट ज्योति बिंदु। अपने आप से कहीं धीमे से, मैं ज्योति बिंदु। मैं ज्योति बिंदु, मुझे इस कार में बैठे बैठे अपने बाबा की याद आ रही है। मेरी याद की आवाज परम धाम में जा गूंजी है। देखें
परम धाम में मेरी याद की आवाज गूंज रही है, प्यारे बाबा मेरे पास आ जाओ। परम धाम में देखें, बाबा को आवाज आ रही है, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आने लगते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे के पास दौड़ी दौड़ी आए। बाबा अपना प्रकाश फैलाते हुए असंख्य किरणों का तेज बिखेरते हुए तीनों लोकों को सुनहरी किरणों से चमकाते हुए नीचे आ रहे हैं। देखें, देखें शिव बाबा को उतरते हुए, जैसे हजारों सूर्यों का प्रकाश धरा पर आ पड़ा हो। जहां जहां मेरे बाबा की रोशनी जा रही है, विकारों के कीटाणु भस्म हो रहे हैं। बाबा आ गए नीचे, देहे रूपी कार में अंदर, ड्राइविंग सीट से उतर जाएं, साइड में बैठ जाएं, बाबा को सीट पर बैठने दें, अनुभव करें, मस्तक के बीच में बाबा बैठा है, अनुभव करिए, मेरे मस्तक के बीच में सर्वशक्तिमान बैठा है। वाह, क्या अनुभव है, क्या अनुभव है, वाह। बातें करें खुद से, स्वयं भगवान मेरे साथ इस शरीर में बैठा है। दिलाराम के आते ही मेरा दिल भाव विभोर हो रहा है। नैनों से बह निकले हैं प्रेम के अश्रु, और मैं आत्मा अपने पिता की गोद में बैठ गई, जैसे नन्हा बच्चा गाड़ी में भी अपने पिता की गोद में बैठ सकता है, ऐसे बैठ जाए। उनकी संपूर्ण शक्तियों का मैं अधिकारी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। देखेंगे, जब बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं,
तो बाबा इस गाड़ी को कैसे चलाते हैं वो नोट करेंगे हम सूक्ष्म डायरी में। कैसे देख रहे हैं इन नैनों से। कैसे बोल रहे हैं इस मुख से। नोट करिए सभी। कैसे सुन रहे हैं इन कानों से। देखें पैरों रूपी पहियों से बाबा इस गाड़ी को चला रहे हैं। देखिए कैसे चल रही है ये गाड़ी जब बाबा ड्राइवर है। अच्छे से देखना है, ऑब्जर्व करना है। बाबा मुझे सिखा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठिए। बाबा भोजन करा रहे हैं इस देह रूपी कार को। कैसे भोजन करा रहे हैं देखिए जरा। उनके स्टाइल को कॉपी करेंगे हम। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। देखिए कैसे मुस्कुराते हैं बाबा। बाबा मुझे सिखा रहे हैं। ओम शांति। अच्छा आज थोड़ा कॉन्वर्जेशन टाइप भी हम करेंगे, मतलब हम आपसे पूछेंगे और आपको जवाब देना होगा कि आपने क्या अनुभव किया। बहुत शांत स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो और हल्के रहे हम पूरी यात्रा में। बहुत अच्छा लगा। तो ये सूक्ष्म डायरी में था कि व्यर्थ को समर्थ में बदलना है। बहुत सी बातें आ रही थी इतना, लेकिन आनंद सबसे ज्यादा रहा। यानी बाबा के साथ बैठने के कारण आनंद की अनुभूति हो रही थी आनंद की और अनुभूति उस बहुत। आनंद में आप डूब गए। वेरी गुड। वो जो अभ्यास किया हमने की परम धाम की ओर देखा, और यहां से मैंने बाबा को आवाज लगाई और बाबा को सुनाई दिया कि मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। वो मेरे लिए बहुत टचिंग था कि कैसे बाबा ऊपर से नीचे अपनी रोशनी फैलाते हुए आए और यहाँ बैठ गए। तो वो कॉन्शियसनेस जैसे बदल गई, साधारण सा महसूस नहीं हो रहा था, कुछ अलग महसूस हो रहा था। ये अनुभव रहा। बताइए। आपने जब बताया कि कार में बैठे और जब भी बाबा को कार सीट में ड्राइवर सीट में बिठाए और आप बाजू में, तो लिटरली मुझे ऐसा हुआ कि बस भय मुक्त अभी हाँ वेरी हाथ नाइस। में है। और आपने जब बताया कि कभी बच्चे बन के उसके गोद में भी बैठ जाते हैं ना, तो इतनी खुशी हुई कि बाबा लाइक हमारे लौकिक में जो बोलते हैं ऐसा, देखो ये देखा, एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो मैं लिटरली आई वॉज ड्राइविंग विथ हिम, बट खुशी से, आनंद से, जो मैं ड्राइव करूं तो नहीं कर सकती, नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा फोकस ड्राइविंग में। और ये जो बाबा बोलते हैं मैं देखती जाते रही देखती, तो वो खुशी, वो आनंद, दैट वॉज एकदम परम चरम बोलते हैं, परम स्टेज पे था। तो ये दो वाह चीजें वाह थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। देखो जो अनुभव
मुझे आपको कराते हुए नहीं हुआ, वो आपने मुझे अब करवा दिया। सुनने में ज्यादा अच्छा अनुभव होता है, क्योंकि कराते वक्त थोड़े कॉन्शियस रहते हैं, वैसे भी थोड़ा ध्यान रहता है कि पर सुनते वक्त ज्यादा अच्छा मुझे अनुभव हुआ। हाँ, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ भाई जी कि बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और जैसे बाबा साथ में हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, बस पूरा समर्पित कर दिया उनको। तो फिर जरूरत ही नहीं है कहाँ देखो, यहाँ देखो, वहां देखो, कुछ भी करो, कंसंट्रेट करो, कुछ नहीं, बस बाबा को सौंप दिया तो फिर बेफिक्र हो गए। सो बेफिक्र बादशाह यस बन गए, तो यस वैसे यस फीलिंग यस फीलिंग आ गई है। बहुत बहुत देखो यही है, यही है सब कुछ, लेकिन जस स्मृति और विस्मृति का खेल। जब स्मृति है तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है हमको? कुछ भी नहीं। जैसी विस्मृति होती है, ये हो गया, वो हो गया, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कितनी सारी बातें चलने लगती हैं, और वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। एक ड्रामा ही चल रहा है, ये खेल ही चल रहा है। अभी मेरे साथ ना परसों एक भाई बैठे हुए थे, तो जैसे कि हम ज्ञानी आत्माएं, हमको समय का एग्जैक्टली पता है कि अभी कितना समय इसमें संगम पर बचा हुआ है, और दुनिया के हिसाब से कलयुग में कितना समय बचा हुआ है दुनिया के हिसाब से अगर देखे तो उसके बाद नई दुनिया का आना है, परिवर्तन होना है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? अब सपोज करो कि मुझे पता है कि इस चीज की आयु 10 वर्ष है, तो मैं उस हिसाब से उसका यूज करूंगा ना भाई, इसकी 10 वर्ष है, मैं उस हिसाब से यूज करूंगा। सपोज हमें पता है कि इस समय संगम की आयु 14 से 15 वर्ष जो भी है वो शेष, ठीक है, उस हिसाब से रिसोर्सेस है हमारे पास। तो ऐसी बातें चल रही थी, तो वो मुझे बता रहे थे, बाबा के बच्चे हैं, ज्ञानी आत्मा है, तो वो कुछ बना रहे थे, कुछ फ्लैट वगैरह बनाने की बात बोल रहे थे कि हम वो बना रहे हैं रेंट्स के लिए, जहाँ पे रेंट के लिए वो उठते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, वेरी गुड। तो मैंने कहा तो वो कितना लगेगा उसको बनाने में? तो उन्होंने बोला कि तकरीबन तकरीबन 1 या 1.5 करोड़ का खर्च आएगा। ओके, तो मैंने बोला उससे मंथली इनकम कितनी है आपको? उन्होंने बोला कि तकरीबन 1 लाख के आसपास। मैंने कहा ओके, अब दिखने में तो लोग ये सोचते हैं 1 लाख की इनकम, लेकिन हम लगा रहे हैं उसमें 1.5 करोड़ रुपए। कोई बात नहीं, अगर हमारे पास बहुत समय हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन समय कम हो तो आप देखेंगे कि जितना अमाउंट आप उसमें लगा रहे हैं, जैसे आप 1.5 करोड़ लगा रहे हैं, आपको जो रिटर्न लौट रहा है ना, वो बचे समय में रिटर्न भी पूरा नहीं आएगा जितना आपने लगाया है। तो ये है क्या? तो मैं उस वक्त सोच रहा था बैठ के, अच्छा ये काम ना करें तो क्या करें फिर? मैं बैठ के सोच रहा था ये ना करें तो क्या करें फिर। तो मैं सोच रहा था अगर ये कुछ ना करें, जो पैसा इनके पास है, अगर ये सिर्फ उसे ऐसे ही यूज करें, ऐसे ही खाएं, तो भी ये खर्च नहीं कर पाएंगे। लेकिन होगा क्या कि ये बिजी नहीं रहेंगे तो माया इन्हें खा जाएगी। यानी कि ये खेल चल रहा है। बाबा सेवा के लिए क्या कहते हैं कि ये खेल है, खिलौना मैंने तुम्हें दिया है, कहीं तुम बोर ना हो जाओ। मैं तो यहाँ आया था इस दुनिया को परिवर्तन कराने के लिए, और उसके लिए महत्वपूर्ण है ज्ञान और योग, लेकिन तुम पूरे दिन कितना ज्ञान योग करोगे, बोर हो जाओगे, तो मैंने तुम्हें खिलौना सौंप दिया, लो इससे खेलते रहो। लेकिन उस खिलौने को ही अगर हम सब कुछ मान लें, दूध को महत्व ना दे, बच्चे को खिलौने का ही महत्व हो सिर्फ, सोचिए अब जरा, जब बच्चा रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, आप उसको केवल खिलौने दिए जाएं, कब तक खेल लेगा खिलौने से वो? आप बच्चे को दूध कभी मत पिलाइए, चलो एक दिन पूरे दिन दूध नहीं पिलाते हैं, और उसको महंगे महंगे खिलौने देते हैं, देखो कितना खिलौने उसको खुशी दे सकते हैं। वो थोड़ी देर बाद रोने लग जाएगा। यानी कि दूध यानी मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन द सेम वे माइंड के लिए भी मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मिल्क इज व्हाट? नॉलेज। जो मन का दूध है वो है नॉलेज। बिना ज्ञान के मन खुश रह ही नहीं सकता, मन शांत रह ही नहीं सकता। अज्ञान काल में देखिए आप क्या नहीं था हमारे पास,
बंगलो, गाड़ी, सब कुछ था ना, पैसा, इनफ बैंक बैलेंस, सब कुछ था। क्या नहीं था हमारे पास, है ना? लेकिन हम दुखी क्यों थे, परेशान क्यों थे? हम उस बच्चे की तरह थे जिसके पास वैरायटी खिलौने हैं, लेकिन मिल्क नहीं था उसके पास। खेलता रहे खिलौने से, कब तक खेलेगा? रोएगा जब भूख लगेगी। और वही आज पूरी दुनिया कर रही है, बस खिलौने 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 खिलौने। दूध को बिल्कुल महत्व नहीं है। लेकिन हमने आते क्या सीखा कि बच्चे सवेरे उठते ही इस मन की मां बनकर इस मन रूपी बच्चे को ज्ञान का दूध पिलाइए। अब सवेरे उठते ही मुरली के मुख्य पॉइंट पढ़ लीजिए। जैसी आंखें खुली, पापा को गुड मॉर्निंग कहा, पापा से विजयी तिलक लिया, सर पे वरदानी हाथ रखवाए, और चाहे तो बाबा को हग कर लें, बाबा के साथ समय बिताएं, और थोड़ा सा मुरली के दो तीन मुख्य पॉइंट पढ़ लें, या फिर रात को पढ़ के सो जाएं। अगर रात को पढ़ के सोए और सवेरे आपको उठते ही याद है, वेरी गुड। अगर भूल गए हैं तो सवेरे उठते ही भी दो तीन पॉइंट पढ़ लें। जैसे पढ़ेंगे ज्ञान का चिंतन मिल जाएगा। ज्ञान चिंतन मिलते ही मतलब क्या हुआ, पढ़ते ही मन रूपी बच्चे को ज्ञान का मिल्क मिल गया। जब बच्चा दूध पी लेता है ना अच्छे से, खिलौनों से बहुत खेलता है वो, रोता नहीं है, मिट्टी में लेट लेट के खेलता है। आपके यहाँ पता नहीं मिट्टी में लेटते हैं नहीं लेटते, हम तो बहुत लेटा करते थे मिट्टी में, हमारे यहाँ तो आज भी लेटते हैं भारत में, तो मिट्टी में लेट लेट के खेलता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन जब पेट भरा हुआ होता है दूध से, वैसे ही इस मन रूपी बच्चे को ज्ञान से भरपूर रखेंगे ना, तो पूरे दिन जो खिलौनों से खेल रहे हैं, जो सेवाएं हम कर रहे हैं, ये खिलौने हैं, तो इनमें बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कभी भी ना ये जो हम बीच में होता है, ये सब नहीं होगा। खींचातानी, छोटी छोटी बात पे डिस्टर्ब हो जाना, चिढ़ जाना, एक दूसरे की टांग पैर खींचना, ईर्ष्या का रोग लग जाना, ये सारी चीजें होती हैं। क्यों? क्योंकि मन रूपी बच्चा भूखा है। सवेरे उठे, मुरली का थोड़ा सा अध्ययन करें और चिंतन शुरू हो जाएगा। चिंतन तुरंत शुरू हो जाएगा। जैसे मानो कल की मुरली से वरदान उठाया, पता नहीं आज वहां, कल परसों वहां, टाइम का थोड़ा सा होता है, वहां कौन सी मुरली थी या कौन सी मुरली, बट मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो मुरली में आया जैसे कि मानो स्वराज्य की, है ना, स्वराज्य वाली मुरली आ गई आपके वहां जो वरदान में आया था, है ना, स्वराज्य की स्टेज में स्थित होकर, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहने वाले राज ऋषि, अब हमने ये वरदान पढ़ लिया, अब देखो चिंतन स्वयं चलने लग जाएगा। स्वराज्य अधिकारी, स्वयं पर राज्य करने वाले आत्मा, जिसका स्वयं पर राज्य हो, जो स्वयं का स्वयं राजा हो, मैं आत्मा स्वयं की राजा हूं, हो गई अपना स्वरूप। कॉमेंट्री हो गई शुरू अपने आप, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं, स्वयं की राजा हूं। मन बुद्धि संस्कार मेरे मंत्री हैं, ये कर्मेंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। टोटल कंट्रोल आ गया। अब आएगी बेहद की वैराग्य वृत्ति। बेहद की वैराग्य वृत्ति और हद की वैराग्य वृत्ति में क्या फर्क है? जो हद का वैराग्य होता है वो किसी परिस्थिति के कारण पैदा होता है, यानी कि वो क्षणिक होता है, जिसको कहते हैं शमशानी वैराग्य, है ना। कई बार वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो लोग घर बार छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेहद का वैराग्य क्या होता है? वो संकल्प से होता है। आप हर एक चीज को यूज करते रहेंगे लेकिन आपको किसी भी चीज में ममत्व नहीं होगा। जैसे कि कमल फूल, कमल पुष्प कीचड़ में होता है, और सबसे बड़ी बात, कीचड़ से ही वो सब कुछ लेता है, कीचड़ से सब कुछ लेता है, ठीक
ठीक है, लेकिन कीचड़ से अटैच नहीं होता वो, यानी कीचड़ का प्रभाव अपने ऊपर आने नहीं देता, बिल्कुल कीचड़ से न्यारा होता है, इसलिए सर्व का प्यारा होता है, आकर्षित करता है सबको अपनी ओर, रहता उसमें। वैसे इस दुनिया में हम रहे, दादी जानकी जी कहा करती थी कि संसार में रहो, संसार तुम में ना रहे, ठीक है। इन द सेम वे कमल पुष्पी तरह कीचड़ में है, ये कलयुग आज कीचड़ से तुलना कर सकते हैं आप इसकी, उसमें है लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं है, मतलब उससे अटैच नहीं है, न्यारे हैं, इसलिए सर्व के प्यारे हैं। विकारों से न्यारे हैं तो सर्व के प्यारे हैं। हर एक आत्मा की कमी कमजोरी स्वभाव संस्कार से न्यारे हैं तो सर्व के प्यारे हैं। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। सब कुछ यूज भी कर रहे हैं, घर में रहो कहीं भी रह रहे हैं, माता पिता बहन भाई सबके साथ रह रहे हैं, लेकिन उनके स्वभाव संस्कार से न्यारे हैं। वो रो रहे हैं, मैं नहीं रो रहा हूं, ठीक है, मतलब मेरे जो टीवी का रिमोट है उनके हाथ में नहीं है, लेकिन हम ऐसा ही करते हैं, अज्ञान में तो ऐसे ही होता था, है ना, टोटली अटैच, टोटली अटैच। और जब उनको अब ज्ञान देते हैं, हमको भी जब ज्ञान मिला तो हमने, हमारी प्रोग्रामिंग क्या थी, आध्यात्मिकता मतलब डिटैच हो जाना, डिटैच का मतलब वो समझते हैं कि मतलब सब कुछ छोड़ देना, जबकि डिटैचमेंट का मतलब ये है बस कि आप रोएं मैं नहीं, हंसना नहीं है, आप रोएं मैं शांत रहूं, ठीक है। तो मैं आपको क्या दे सकता हूं, शांति के वाइब्रेशंस, जिसकी आपको इस वक्त सख्त जरूरत है। जैसे एक व्यक्ति को चोट लगी है तो मैं अपने आप को बैठ के चोट नहीं मार सकता, मेरे शरीर में, उसके शरीर में चोट लगी और मैंने देखा हाय ये तो मेरा अपना, इसको शरीर में चोट लग गई, चलो मैं भी अपने शरीर में चोट मार लेता हूं, है ना, हम क्या करेंगे, तुरंत उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको दवा देते हैं। इन द सेम वे अगर कोई व्यक्ति इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, वो रो रहा है, परेशान है, दुखी है, तो उस वक्त हम दुखी होना अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम दुखी हो जाएंगे तो हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे, हम उसे ऊपर कैसे उठाएंगे, उसे अपलिफ्ट कौन करेगा। और ये चीज हम लोग अज्ञान में करते थे, आई एम श्योर आज हम नहीं करते होंगे, और करते हैं तो हम चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि मैं घर पे गई, मेरे ख्याल से आप में से 99% आत्माएं घर में गृहस्थ में रहने वाली हैं, तो क्या होता है, घर पे गए, अभी जैसे क्लास सुन रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है, सब बढ़िया, घर पे गए, मानो युगल थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखे घर में, इधर उधर सामान पटकते दिख गए, गुस्सा कर रहे हैं, जाते ही मैंने अपना टीवी का रिमोट लगाया और चैनल बदला और मैं एकदम से शुरू सब भूल कर, कि ऐसे थोड़ी ना होता है, वैसे थोड़ी ना होता है, यानी कि ये क्या हो गया, इसको कहते हैं अटैच। जैसे दो तार अटैच होते हैं तो करंट इधर से इधर पास होता है, जब दो तार जुड़े हैं तो करंट इधर से इधर पास होता है, वैसे ही हम उनसे इमोशनली जुड़े हैं तो वो डिस्टर्ब हुए, हम तुरंत डिस्टर्ब, वो खुश तो हम खुश। तो बाबा ने कहा हटा विस्तार को, इसको यहां से कट करो, डिटैच, डिटैच हुए, अब वो रो रहे हैं लेकिन रोने का करंट पास नहीं हो रहा है, आप देख रहे हैं, वो रो रहे हैं लेकिन वो गुस्सा कर रहे हैं, गुस्से का करंट पास नहीं हो रहा इधर, क्योंकि तार हटा हुआ है, और तार कहाँ लगा, यहां से तार ऐसे घुमा दिया यूं यूं, तो तार तो ऊपर लगा हुआ है, चेक करें, सभी चेक करें, तार ऐसे है या तार ऐसे है, तार ऐसे है या ऐसे है, बताओ तार ऐसे है या ऐसे है, मैसेज में लिख सकते हैं तार ऐसे है या ऐसे है, ऐसे है तो करंट आएगा। और अभी देख लें घर पे तो होते ही रहता है ऐसा, घर पे क्यों बोल रहा हूं, सब जगह होता रहता है, कोई ना कोई आत्मा डिस्टर्ब रहती ही है ना, वो गुस्सा करती है, तार जुड़ा हुआ, हम एक सेकंड में अच्छा खासा मूड होता है हमारा और हम चिल्लाने लगते हैं, तो तार तो यहाँ जुड़ा हुआ है, तो तार जब यहाँ जुड़ा हुआ है तो बाबा से शक्ति लेंगे कैसे भाई, बिना तार के करंट पास तो हो ही नहीं सकता।
मुझे फैन चलाना है लेकिन फैन का तार लगा हुआ ही नहीं है, बल्ब का तार लगा हुआ तो बल्ब ऑन हो जाएगा लेकिन फैन नहीं चलेगा। इन द सेम वे मुझे शिव बाबा से करंट लेना है यहाँ, और तार तो मैंने हस्बैंड के साथ जोड़ा हुआ है, तार तो मैंने वाइफ के साथ जोड़ा है, मतलब युगल के साथ जोड़ा हुआ है, तो वहां से करंट आ रहा है और वहां से करंट वैसा ही आएगा जैसा उनके पास है। तो मेजोरिटी देखा जाए तो उनके पास करंट कौन सा है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, आलस्य, यही वाला करंट है। ब्राह्मण क्या हम ये वाला करंट लेने के लिए बने थे? हम ब्राह्मण किस लिए बने थे? ब्राह्मण यानी जिसका मन पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके, वो है ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्रह्मांड ऊपर, पा बाबा तो वहां पे है, लगाइए उधर तार ऐसे ही सीधा और करंट आने दीजिए। ये देखिए शिव बाबा, ये जोड़ दीजिए करंट, यहां से आएगा ऐसे सीधा, यहां से हटना नहीं चाहिए। जैसे ना राजस्थान में आप देखेंगे, कभी आबू आते होंगे राजस्थान में देखेंगे, आप देखेंगे वहां पे ना माताएं क्या करती हैं, अपने सर पे ना कई सारी वो होती हैं, हांडी टाइप सी होती है, उनको पतीली बोलते हैं, हमारे इधर मटके भी बोलते हैं, पानी कैरी करने वाले। तो उनको क्या करते हैं, वो मटकों को कई सारे मटके एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख लेती हैं वो, आपने देखा है कभी? एक के ऊपर एक के ऊपर कई सारे मटके पानी के रख के वो बिना हाथ लगाए ही, हाथ भी नहीं लगाती हैं, ऐसे सीधा हाथ करके चलती जाती हैं, पता है? और वो बात भी करती रहेंगी और छुटपुट छुटपुट काम भी निपटा लेती हैं, लेकिन उनका अटेंशन मटकों पर होता है, उनका अटेंशन मटकों पे होता है। समझ में आ रही है पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे ही जब हम पूरे दिन में कोई भी काम करें, हमारा अटेंशन तार पे रहे, तार लगाया हट गया, घर में रहते हो अचानक टीवी बंद हो जाए, फैन बंद हो, भक्ति दौड़ गए, तार तो नहीं हट गया भाई, है ना? कितना टेंशन रहता है उसका, टीवी कैसे देखेंगे, अच्छा फैन नहीं चल, एसी नहीं चल रहा है, अरे तार तो नहीं हट गया, यहाँ देखो तार तो नहीं हट गया, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ तार तो नहीं हट गया, हल्का सा डिस्टर्ब हुआ तार तो नहीं हट गया, किसी ने कुछ बोला आपको और आप हल्के से हिले, तार तो नहीं हट गया, है ना? कभी भी कैसे भी डिस्टर्ब हुए तार तो नहीं हट गया। माने अमृत वेला सवेरे उठे, थोड़ा लेट हो गए, हल्का सा डिस्टरबेंस पैदा हुआ, हो लेट हो गए, आंख नहीं खुली है बाबा, तार तो नहीं हट गया। उसको भी नेगेटिव वे में नहीं लेना है, कोई बात नहीं, लेट हो गए तो एकदम तार जोड़ो फटाक से, तार जुड़ते ही वो समय सफल हो जाएगा। कई बार कुछ आत्माओं की आदत पड़ जाती है, मानो वो 3 बजे रोज उठती हैं और आज वो 3:10 पे उठी हैं, तो वो समझती है अमृत वेला खराब, खत्म, पूरा दिन खराब हो जाएगा आज। ये भी एक माइंड का है कुछ उनका, है ना? तो उठते ही एकदम से तार जोड़ दीजिए, ठक से, है ना? तो एकदम से उठते ही बाबा से तार जुड़े मन के। तो ये कब होगा? सवेरे उठते ही, जब हमारी आंखें खुलती है ना, तो उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव रहता है, यानी यूं कहूं कि मन की जमीन एकदम उपजाऊ होती है। उठते ही उस वक्त जो आप करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, जो संस्कार बदलना चाहते हैं, जिसमें सिद्धि चाहते हैं, उसे सवेरे उठते ही प्रैक्टिस करिए आप। शुरू के 10 मिनट कुछ नहीं करना है, चलो 10 नहीं होता, 5 करिए। शुरू के 5 मिनट कुछ नहीं करना, कोई मूवमेंट नहीं, नंबर एक, नंबर दो भी नहीं जाना है, बेड से नहीं उतरना है। उठेंगे एकदम से, आलती पालती लगाएंगे, एकदम तन के बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे 5 मिनट के लिए पहले। ये आपका, इससे दो फायदे होंगे, नींद का प्रभाव एकदम उड़ जाएगा जैसे आप सीधे बैठेंगे। कई बार क्या होता है कि हाँ भाई जी बोल रहे थे कि सवेरे उठते ही 5 मिनट बेड पे ही बैठ के अभ्यास कर लो, तो हम क्या करते हैं, उठ तो गए लेकिन सीधे नहीं, ऐसे बैठते ही और गर्दन ऐसे होगी, ठीक है? और जब गर्दन ऐसे होगी और पीठ ऐसे झुकी होगी तो होगा क्या, थोड़ी देर में अच्छा उठे, गुड मॉर्निंग बाबा, बाबा गुड मॉर्निंग, मैं मास्टर सर, टोटल वेस्ट, टोटल वेस्ट।
और फिर कहोगे कबीर भाई ने कहा था हमसे तो ऐसे, तो ये नहीं, सीधा एकदम सीधा, एकदम सीधा बैठे, गर्दन सीधी, और चाहे तो चेहरा हल्का थोड़ा ऊपर कर ले, क्यों, हम परम धाम को देख रहे हैं अभी, और यहां से करें जो करना है, 5 मिनट करें, 5 मिनट अपने आप को निरंतर थॉट देते रहें, क्योंकि नींद का प्रभाव रहता है, 5 मिनट अपने आप को थॉट देते रहें बैक टू बैक, वो ये समझ लीजिए कि इतनी जोरदार कमाई हो रही है इस वक्त की पूछो मत, क्योंकि मन की जमीन एकदम उपजाऊ है, और इस समय पर बीज जो भी डाले जा रहे हैं वो सब के सब निकलेंगे और आपको फल देंगे जरूर, ये गारंटी है। मान लीजिए हमने अभी युगल का उदाहरण दिया था, युगल बहुत गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपको, आप भी परेशान हो जाते हैं उनको देखकर, क्योंकि तार जोड़ के उनसे रखा हुआ है। तो मानिए आप सवेरे उठे और क्योंकि शाम को उनसे बहस की थी, बहस करके सो गए थे, सवेरे उठते ही पहला थॉट उन्हीं के बारे में आया, परेशान करके रखा है बाबा, कब पीछा छोड़ाओगे, सवेरे उठते ये थॉट कर दिया, कब पीछा छुड़ाओगे इनसे, परेशान करके रखा हुआ है, होगा क्या, वाइब्रेशंस क्या गए उस आत्मा को, इस आत्मा ने मेरा जीना मुश्किल किया हुआ है, मतलब मेरे माइंड को ये थॉट गया कि ये आत्मा बहुत बहुत घटिया किस्म की है, बहुत ही बेकार है, यानी मुझ आत्मा से उस आत्मा को जो वाइब्रेशन गई फुल्ली डार्क, काली एनर्जी, नेगेटिव, वो तो पहले से ही उसके चपेट में थे, हमने उसे और दे दी, ठीक है, फिर हम क्या कहते हैं थोड़ी देर बाद, लो कल से ज्यादा बढ़ गया इनका तो, अब कल तो इतना करते था जितना कर रहे हैं, पर उसमें सहयोग हम ही दे रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के संकल्पों में तो बहुत ही ज्यादा पावर होती है, और अमृत वाला उठ के अगर ऐसा संकल्प कर दिया तो उसमें तो कई गुना ज्यादा पावर होती है। तो सवेरे उठते ही जब तैयारी करके उठेंगे तो युगल हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उन पर ध्यान नहीं जाएगा, सीधे बैठेंगे और बैठते ही मुस्कुराएंगे, पहले खींच के मुस्कुराया करो एकदम से, सीधे बैठते ही नींद का, इससे क्या होगा, मुस्कुराने का बीज जमीन के अंदर टक से, जो चेहरा मुरझाए मुरझाए सा रहता है ना किसी किसी आत्मा का ज्ञान में आने के बाद भी, वो नहीं होगा, कुछ आत्माओं का ज्ञान में आने के बाद भी चेहरा थोड़ा मुरझाया सा रहता है, तो उससे क्या है, थोड़ी डिससर्विस सी हो जाती है कि कैसे ये अच्छे ओम शांति में गए, इन्होंने हंसना ही बंद कर दिया, मुस्कुराते ही नहीं है, इनके तो जीवन ही नीरस हो गया है, कुछ खाते पीते तो है ही नहीं किसी घर का, मुस्कुराना भी छोड़ दिया, बताओ ये बेचारे कितने दुखी परेशान है, अरे भाई, तो वो क्या सोचते हैं, ऐसा बनना ही नहीं है, ऐसा बनना ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उठेंगे मुस्कुराएंगे, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, ठीक है, उठे अभी मुस्कुरा के दिखाओ सभी, हाँ जैसे अभी देखो, अभी कैसे, अभी ऐसे मुस्कुरा, अगर इतना मुस्कुरा दिए ना तो सारा काम हो जाएगा, जैसे अभी देखो हंस रहे हो आप खुशी में, ऐसे कर दीजिए सवेरे उठ के। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, पता है, तो इसके लिए ना, जैसे रात को जब सोने जाते हो और लेट गए हो, तो लेटे लेटे ना एक इमेज देखना कि सवेरे मैं जाग रही हूं या जाग रहा हूं, सवेरे घड़ी में इतने बजे हुए हैं, ऐसे लेटे लेटे जैसे कल्पना नहीं करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं जैसे मेरा इतना बड़ा घर हो जाएगा, मेरी ये जॉब होगी, मेरा ये बच्चा होगा, जैसे अज्ञान काल में करते हैं ना, भाई मेरा बेटा हो, मेरी बेटी हो, फलाना ढिमका, ये सब करते हैं, ऐसे लेटे लेटे देख रहे हैं कि घड़ी में 3 बजे हुए हैं, कल्पना करिए, कल्पना शक्ति, घड़ी में 3 बजे में लेटे लेटे, इसमें कोई ना पैसा लगता ना मेहनत, लेटे लेटे घड़ी में 3 बजे हुए हैं, कल्पना कर रहा हूं, और मैं एकदम फ्रेश मुस्कुराते हुए जाग रही, लेटे लेटे कल्पना चल रही, जैसे टीवी पर पिक्चर देख रहे हूं कि मैं उठ रही हूं, 3 बजे हैं घड़ी में, और मैं मुस्कुराते हुए जाग रही, जागते ही मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शिव बाबा, उधर से आवाज आती है गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे,
जाग गए, आओ मेरी भुजाओं में समा जाओ। देखते हैं बाबा एकदम हमें अपनी भुजाओं में समेट लेते हैं। आप तो माताएं हैं, बहुत अच्छे से जानती हैं बच्चों को कैसे दुलारा जाता है। बाबा बिल्कुल मुझे वैसे ही दुलार रहे हैं, है मेरा चेहरा ऐसे पकड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे खींच रहे हैं, जो भी देखना है देखिए, ठीक है। मैं बाबा के कांधे पर बैठ गया या बाबा की पीठ पर चढ़ गया, सब कल्पना करिए अच्छे से, फर्स्ट क्लास ऐसा अनुभव होगा। एक मुरली में आया था कि कुछ बच्चों की बुद्धि की ऐसी कमाल है कि बाबा को बिल्कुल ऐसे अनुभव कर लेते हैं कि जैसे बाबा साकार में ही हो। तो ये बुद्धि की विजुअलाइजेशन की कमाल है, इसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि ये काम कर सकती है, आसुरी बुद्धि ये विजुअलाइज नहीं करेगी। आसुरी बुद्धि ये विजुअलाइज करेगी कि किसको कितना धोखा देना है, कैसे झपेटना है, कितना लूटना है, वो ये काम करेगी। दिव्य बुद्धि क्या करेगी, ये देखेगी। और ये प्रैक्टिस से होगा, मुरली पढ़ने से होगा, है ना। तो ये सवेरे उठे बाबा से फिर देखेंगे सामने एकदम ऐसे बैठे, और बाबा ने अपना, बाबा का हाथ सामने आया, ऐसे अनुभव करेंगे पूरा लंबा सा तिलक लगवाते रहे, पूरा तिलक लग गया। और तिलक लगते लगते एक आवाज गूंज रही है, आप सुन सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में आवाज गूंज रही है। और आवाज कैसे आ रही है, बच्चे विजयी भव, तिलक आया विजयी भव, साथ में माया जीत भव, दो संकल्प एक साथ, विजयी भव माया जीत भव। माया पर विजय पानी है ना, लोगों पर नहीं, माया पर। विजयी भव माया जीत भव। और तीसरा संकल्प, मेरे चारों तरफ सर्वशक्तिमान शिव बाबा ने सुरक्षा का गोला बना दिया है, ये लो खींच दो इसे, जितना मजबूत देखना चाहो देख लो, 7 बार बना दो स्ट्रॉन्ग एकदम, गारंटी है माया प्रवेश नहीं कर पाएगी। उस दिन जिस दिन ये करोगे उस दिन पूरा दिन अपना देख लेना, गोला बन गया ठीक है, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग, जैसे वो स्टील का मानो मोटी परत का गोला बना देना तो हथौड़ी से भी नहीं टूटेगा वो गोला, ठीक है गोला बन गया। अब अगला संकल्प ले सकते हैं, इस गोले के अंदर आप जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसमें सफल हैं, तो मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। और पांचवा संकल्प आप क्रिएट कर सकते हैं, मैं संतुष्ट मणि हूं, मैं संतुष्टता की देवी हूं, मैं संतोषी माँ हूं, जो संकल्प करना चाहे, या अपने हेल्थ के अनुसार भी कोई संकल्प चाहते हैं, मानो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आप अगला संकल्प कर सकते हैं कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। स्वस्थ यानी जो स्वयं में स्थित है वही स्वस्थ है, क्योंकि बीमारियां तन में नहीं मन में होती हैं। अभी एक रिसर्च हुई थी, दुनिया भी रिसर्च होती रहती है ना, एक रिसर्च में आपको सुनाता हूँ, हमको तो इस पे पूरा विश्वास है क्योंकि हमें आत्मिक ज्ञान है ना। दुनिया के कुछ लोग सोचते हैं ये सब कहानियां हो सकती हैं, लेकिन हमें पूरा पूरा विश्वास है इस बात पे, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ऐसे अनेक रिसर्च हुई हैं जिनमें देखा गया है कि जिन बच्चों को बर्थ मार्क होते हैं वो क्यों होते हैं। जैसे एक बच्चे को पीठ पे बर्थ मार्क थे गोल गोल से, जैसे ना थोड़े जैसे गोली लगने के निशान होते हैं, ऐसे निशान थे। तो उस पे जब रिसर्च की तो उस पे पाया कि उसका पूर्व जन्म में डेथ गोली लगने से हुई थी। अब विचार करके देखिए जरा, भाई गोली तो तन में लगी है, वो नेक्स्ट जन्म में अगली बॉडी में कैसे निशान बन सकता है। पुरानी बॉडी इज फाइन, उसमें तो है भाई, मेरी एक गाड़ी है ना, 4 व्हीलर है, उसको चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो टूट गई, वो टूटी है ना, मैं तो दूसरी कार नई कार ले आया,
तो नई कार में वही डेंट उसी जगह पे क्यों है? नहीं हो सकता ना यहां तो, लेकिन शरीर में ऐसा है कि वहीं पे डेंट है, यानी वहीं पे निशान है। कैसे? सोचा है कभी इस बारे में? जब आत्मा शरीर छोड़ती है, जैसे मानिए कि मेरा किसी एक्सीडेंट में डेथ हो रहा है, तो मैं जब शरीर छोड़ रहा हूं तो शरीर छोड़ते हुए आत्मा का मन कहिए या डायरेक्ट मन कह दीजिए कि मन चिल्लाता है, हाय मैं तो गया, हाय मरा, हाय गिरा, ये हाय 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 करते हुए शरीर छोड़ देता है। जब शरीर छूटता है, ठीक है, तो वो मन यही गाना गाता रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मानिए आपने ऐसा अनुभव किया होगा कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और आप देखते हैं गर्दन घुमा के तो वहां पर दीदी खड़े हुए हैं, ठीक है, अब दीदी खड़े हुए, आप कोई सेवा कर रहे हैं जैसे सेवा केंद्र पर करते होंगे, वहां पे दीदी खड़े हुए हैं, ठीक है, आपने देखा अच्छा दीदी खड़े हुए, ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, थोड़े से कॉन्शियस होकर वो सेवा करते हैं, हल्के से कॉन्शियस हो जाते हैं कि दीदी वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, ऐसा होता है ना, या कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है, आपका बॉस आपको देख रहा है ना ऑफिस में, आप थोड़े कॉन्शियस होकर वो करने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि करते रहते हैं करते रहते हैं, आप दोबारा ऐसे घूम के नहीं देखते हो, आप बस करते रहते हैं, लेकिन जब आप 5 मिनट बाद देखते हैं तो वहां पे दीदी नहीं है, वहां पे आपका बॉस नहीं है, आप देखते हैं ओ चला गया, मैं तो अब तक उसी कॉन्शियसनेस में काम कर रही थी कि वो यहीं खड़ा है। होता है, हम उसी कॉन्शियसनेस में काम कर रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो अभी यहीं खड़े हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो वापस मुड़ के देखा ही नहीं ना, तो ये माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई थी जब हमने उनको देखा था कि वो यहाँ खड़े हैं, फिर हमने दोबारा नहीं देखा, लेकिन माइंड की प्रोग्रामिंग यही है कि वो यहीं खड़े हुए हैं। मन इतना भोला होता है, तो जब एक्सीडेंट हुआ, डेथ हुई, शरीर छूटा, तो माइंड की प्रोग्रामिंग है, मेरा शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया, मैं तो बेकार हो गया, बेकार, इस चीज को लेके वो जब अगले शरीर में प्रवेश करती है आत्मा, तो इसी बात को दोहराती रहती है बार 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 बार। दोहराने से क्या होता है, वो मन से तन में चला जाता है, यानी बाबा ने बताया है कि हमारे संकल्पों से हमारे सूक्ष्म शरीर की रचना होती है, जिसे हम लाइट की बॉडी कहते हैं, वो हमारे संकल्पों से बनती है। अगर हमारे संकल्प बहुत दिव्य हैं, प्योर हैं, तो वो लाइट की बॉडी वाइट होती जाती है, और उसको कहते हैं संपूर्ण फरिश्ता बनना, और अगर हमारे संकल्प नेगेटिव हैं तो वो लाइट की बॉडी डार्क होती जाती है। अगर हम कोई ऐसा थॉट बार बार क्रिएट करते हैं कि मेरी छाती में बहुत दर्द रहता है, मेरी छाती में बहुत दर्द रहता है, तो हमारी लाइट की बॉडी में उसी जगह पर एक स्पॉट जिसको कहते हैं दाग सा बनना लगता है, और वही फिर हमारी पंच तत्वों की बॉडी में स्थूल रूप से आ जाता है। ठीक है, तो बीमारी कभी भी शरीर में है ही नहीं, बीमारी है मन में। अगर मेरे घुटनों में दर्द है तो मेरे मन में ये प्रोग्रामिंग है कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। अगर मैं उस प्रोग्रामिंग को मन से निकाल दूं, आप सडनली देखेंगे आपके पाँव के जो घुटने एकदम ठीक हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक अभ्यास करते हैं, तो इससे हम देखेंगे स्वयं को, आप सीधे बैठ जाएं अलर्ट होकर एकदम, और देखें कि मैं एक आत्मा, शरीर की मालिक, मन की मालिक, बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक, मैं मालिक, मस्तक के बीच बैठी हुई, मैं मालिक। बात करें खुद से, मैं ये शरीर तो कतई भी नहीं हूं। पूछें खुद से, काउंसलिंग करें खुद की, क्या मैं ये शरीर हूं? फिर मैं कैसे कहता हूं कि मेरी तबीयत खराब है? गलत प्रोग्रामिंग है ना,
जब मैं शरीर हूं ही नहीं तो मैं कैसे कहूं कि मेरी तबीयत खराब है। मैं क्यों कहता हूं मुझे बुखार है, मुझे जुकाम है, मुझे तो नहीं है, शरीर में है, मुझे नहीं शरीर को है। और शरीर में इसलिए है क्योंकि मैंने बार बार दोहरा कर इस बात को मन में पक्का कर दिया है। अब देखेंगे, अपने आप को ले जाएं एक बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर। देखें मैं वहां बैठा हूं लाइट की बॉडी में, बिल्कुल अलर्ट होकर देखें प्रकाश की देह में चमकती एक मणि। प्रकाश की देह में चमक रही एक मणि। खुद से कहें मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। मस्तक के बीच बैठी एक ज्योति हो। देखें सर के ऊपर परम धाम से, सर्वशक्तिमान शिव बाबा से हीलिंग किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। ये हीलिंग रेड गोल्डन रेज मेरे ऊपर बरस रही हैं। ये रेड गोल्डन रेज मेरे सर में भरकर मेरी पूरी लाइट की देह में भरती जा रही है। देखिए मेरी पूरी प्रकाश की देह से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा है और तेज। अपने शरीर में याद करें कहां पर कोई भी बीमारी है, ऐसे ही देखें लाइट की देह में वहां पर दाग है और वो इस प्रकाश से भस्म हो रहा है। उस दाग को नष्ट होता देखें, खत्म हो रहा है।
देखें मेरी पूरी लाइट की देह बिल्कुल स्वच्छ क्लीन संपूर्ण स्वस्थ। मैं फरिश्ता पूरे विश्व को रोशनी देने वाला मुझसे हीलिंग किरणें निकल कर धरा पर पड़ रही हैं। धरा पर पाठ बजाने वाली हरेक आत्मा इन किरणों में नहाकर संपूर्ण स्वस्थ हो रही है। मैं मास्टर वैद्यनाथ हूं। मुझसे हीलिंग प्रकाश पूरी धरा पर फैल रहा है। अब मैं फरिश्ता इस पंच तत्वों की देह में हूं और एकदम स्वस्थ, एकदम स्वस्थ, संपूर्ण स्वस्थ। संपूर्ण स्वस्थ। ओम शांति।